नमस्ते एंड वेलकम एंड अभी मॉर्निंग हुई और अभी मैं उठी हूँ तो प्लीज आप मेरे पफी फेस को इग्नोर कर देना एंड लुक एट माई हेयर आज मुझे बाल भी कटवाना है सबसे पहले मैं हेयर वॉश करूंगी आई एम यूजिंग दिस नॉमली का कंडीशनर और शैम्पू एक्चुअली मैंने ये खुद से परचेज किया है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मुझे ट्राई करना था कि कैसा है प्रियंका चोपड़ा के ब्रांड का प्रोडक्ट तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया और पहले मैं कंडिशनर लगा रही हूँ क्योंकि रिवर्स हेयर वॉश करने वाला टेक्निक आपको पता होगा कि कितना पॉपुलर है तो मैं उसको आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ विथ दिस शैम्पू एंड कंडीशनर और सबसे पहले मैं अपने हेयर लेंथ पे अच्छे से कंडीशनर अप्लाई कर लूंगी और उसको अच्छे से मैं अपने हेयर पे एब्जॉर्ब कराऊंगी फॉर अराउंड ट्वेंटी मिनट्स और उसके बाद फिर मैं अपने हेयर को वॉश करूंगी एक्चुअली इस कंडीशनर में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे एसलिस पैराबिस सिलिकॉन्स ये सब इसमें नहीं है इसीलिए अच्छा शैंपू है डेफिनेटली बट हाँ मैं इसको पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आता है ना आप देख सकते हो कि मैंने अपने हेयर पे अप्लाई कर लिया और अब मैं अपने हेयर को कॉम कर रही ताकि हूं। मेरे हेयर के सारे टैंगल्स रिमूव हो जाएं और अभी मैंने कोई भी हेयर ऑयल अप्लाई नहीं किया है Because... बिकॉज इसमें हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करते आई गेस इसीलिए पहले मैं कंडीशनर यूज़ कर लिया और उसके बाद मैंने आ, और कंडीशनर लेकर के और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज जब मैंने हेयर कोम किया था तो सारे अब्जॉर्ब हो गए थे और कुछ कुछ सेक्शन यू नो ऊपर ऊपर ही तो लगता है ना तो उसके बाद फिर मैंने और अच्छे से अप्लाई कर लिया और उसके बाद अच्छे से मैं उसको मसाज करूँगी अपने हेयर पर और आपको इसको अराउंड टेन ट्वेंटी मिनट्स के लिए छोड़ना है मैंने इसको ट्वेंटी मिनट्स के लिए छोड़ा था और उसके बाद फिर मैंने अपने हेयर को शैम्पू से वॉश कर लिया था और इस तरह से एबजॉर्ब करा लू. और आप देख सकते हो कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा रफ़ हैं एक्चुअली मेरे हेयर काफ़ी रफ़ हो गए हैं इस वजह से मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ कि देखते हैं कि कैसा रिजल्ट मिलता तो है और मेरे हेयर रफ़ भी हो गए हैं तो आज मुझे अपने बाल को ट्रिमिंग भी करवाना है तो वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में शो करूँगी तो मैंने कंडीशनर लगा करके छोड़ दिया और उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ बिकॉज़ मॉर्निंग में फ़ेस वॉश करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका पूरा फेस पफ़ी होता है एंड डर्द्स भी होते हैं तो सिंपल नॉर्मल फ़ेस वॉश आप कर लो कोई हार्मफुल या फिर बहुत ही डीप क्लेंजिंग फेस वॉश से मत करना बिकॉज उतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता है सुबह के फेस पे और मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी आप देख सकते हो फ़ोम भी बहुत कम बनता है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फेस वॉश है और उसके बाद फिर मैं अपने फेस को वॉश करके एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज मेरा स्किन सूद रहता है और मेरे स्किन के सारे पफीनेस रिमूव होते हैं बिकॉज़ सुबह में डेफिनेटली जब आप सो कर के उठते हो तो स्किन पफी हो जाता है थोड़ा एंड अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूंगी एंड ऑल अबाउट द स्किन के एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ किट खरीदा है एंड ये मैंने खुद से परचेज किया है डेफिनेटली और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी बट मैं इसका वीडियो बनाऊंगी तो वो आप जरूर चेक करना बिकॉज पहली बार मैं अपने चैनल पर मेकअप वीडियो लेकर के आऊंगी और ये नेचुरल था इस वजह से और अभी मैं नहाने जा रही हूँ तो मैं यही शैम्पू यूज करूंगी एंड क्लोथ भी मैंने आपको मेरे सो कर दिए और मैं वेरी लाइट टॉबल्स अपने हेयर को रैप करती हूँ और दो से पांच मिनट के बाद टॉवल को रिमूव कर देती हूँ ताकि मेरा हेयर है वो अब ड्राई हो और हेयर ड्राई होने में काफी टाइम लगता है तो अगर मैंने सुबह में हेयर वॉश किया तो दिन या शाम में मेरा हेयर अच्छे से ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं अपने हेयर को कॉम कर लेती हूँ बट ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा किया है कि टैंगल्स एक्स्ट्रा रिमूव हो जाए और उसके बाद आप देख सकते हो अभी मैं वीडियो बना रही थी ये मैंने क्यूट हेयर स्टाइल किया है इसका शॉर्ट्स मैंने बनाया है अभी मैंने यहीं पर फोन लगाया था और अभी फोन मेरे हाथ में है एंड एज यू कैन सी मेरा ट्राई भी ऐसा टू जाता है ना बट हाँ मैं उसको एडजस्ट कर लेती हूँ और अभी मैंने पूजा किया है तो चंदन लगाया है सो इग्नोर दैट एंड ये मैंने बीबा का कुर्ती आपको बताया था अपने हॉल वीडियो में कि मैंने बीबा का कुर्ती मंगाया और वो बहुत लार्ज दे दिया था उसका पिक्चर में आपको यहाँ पे शो कर दूंगी और हॉल वीडियो में भी दिखाया था और ये मुझे उसके बदले गलत ड्रेस रिसीव हुआ है अब मैं क्या कर सकती हूँ वो ड्रेस मुझे काफी पसंद था मैंने आपको हॉल वीडियो में शेयर भी किया था बट मेरे साथ ये हो गया कि मैंने एक बार मंगाया वो एक्स्ट्रा लार्ज निकला सेकेंड टाइम मैंने मंगाया तो ये रॉन्ग प्रोडक्ट निकला तो अब मुझे लगता है मुझे उसको रिटर्न ही करना पड़ेगा बिकॉज इतनी बार रिप्लेस करू सेम चीज को एंड एज यू कैन सी मेरा हेयर अब हल्का हल्का ड्राई हो गया है एंड आप कंपेरिजन में देख सकते हो सुबह का मेरा हेयर और अभी के हेयर के शाइन में डेफिनेटली एंड उसके बाद मैं खा खाके सो गई थी जब मैं उठी तो मेरा हेयर बिल्कुल ड्राई हो गया था तो अब मैं इसको अच्छे से कोम कर ले रही हूं एज यू कैन सी और उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ दिस इज माई हेयर कंडीशन राइट नाउ अभी 90 परसेंट ड्राई हुआ है टेन परसेंट अभी भी बचा है तो आपको ऐसा दिख रहा होगा एंड अभी शाम हो चुका है तो फुटेज भी आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा एंड ऑलमोस्ट रात के टाइम में मम्मी ने मेरा हेयर को अच्छे से ट्रिम कर दिया था नीचे से एंड मैंने उनको बोला था कि आप देखते रहो कि कैसे फुटेज बन रहा है तो उन्होंने शो तो कर दिया जो कि मैंने उनको बोला था बट इतना नीचे मेरा हेयर था कि फुटेज क्लियर नहीं हो पाया बट आप एंड्स देख सकते हो अब एंड्स मेरे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं एंड या दैट्स ऑल वक दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड उस दिन मैं आउटड्रो करना भूल गई थी इसलिए मैं आज बना रही हूँ एंड शैम्पू एंड नॉर्मली शैम्पू एंड कंडीशनर अच्छा है मेरे हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाया बट बहुत ज्यादा नहीं आज आप देख सकते हो आज दो दिन के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर की कंडीशन इट्स नॉट बैड बहुत ज्यादा रफ भी नहीं दिख रहा है ऑफकोर्स तो, तो या मुझे अच्छा लगा बट बाद जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में शो किए हैं वो उन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप एमेजोन से जाकर के परचेज कर सकते हो एंड याद दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप बताना की आपको मेरे इस तरह के वीडियोज पसंद है या नहीं बिकॉज मैं ब्लॉग्स तो उतना नहीं बना पाती हूँ बट मैं डिफरेंट थोड़ा ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए एंड ऑल्सो आप बताना की कि आपको किस तरह के वीडियोज चाहिए मुझसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय